हेलो दोस्तों, बार बार कंधा उतरना ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सब जगह प्रॉपर इलाज अवेलेबल नहीं है। कई बार लोग इसके लिए झाड़ा फूंक या टोना टोटका करने लग जाते हैं। दोस्तों, बार बार कंधा उतरने का जो इलाज है वो झाड़ा फूंक टोना टोटका से नहीं होता। इसका एक बहुत ही सिंपल लटारजेट ऑपरेशन होता है जिसके द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। आज मेरे साथ तीन फाइटर मौजूद है जिनका लटारजेट मेरे यहाँ हुआ है। आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार जाट है। गोविंद जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं भीलवाड़ा के पास ही रहने वाला हूँ। कौन सा गेम खेलते हो आप? मैं जेवलिन थ्रो। तो जेवलिन में आपको अभी क्या दिक्कत महसूस हो रही थी इतने दिन से? पहले मतलब कि ये जेवलिन थ्रो मतलब कि मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो जाता था बार बार। कितनी बार डिसलोकेट हो गया? ये 8 से 10 बार हो गया था। तो आपने कहीं डॉक्टरों को दिखाया था? क्या राय थी वहाँ की? दिखाया था भीलवाड़ा, लेकिन उन्होंने बोला कि मतलब कि अंदर प्लेट लगेगी, वो लगेगी। फिर मतलब कि मेरा एक दोस्त था, उन्होंने आपके बारे में बताया। फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर आपका वीडियो देखा, फिर MRI करी, फिर यहाँ आया। आपका इस अस्पताल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितनी दिक्कत हुई इस ऑपरेशन में? मेरे को 1% भी मतलब कोई दिक्कत नहीं थी और एकदम अच्छा ऑपरेशन हुआ मेरा। आप ये मानते हो जब कंधा उतरता है तब ज़्यादा दर्द होता है या ऑपरेशन में ज़्यादा दर्द है? कंधा उतरता जो तब ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा होता। कोई अगर और भी लोग हैं जो भीलवाड़ा के, विजयनगर के, हिम्मतनगर के रहने वाले हैं, आपके आसपास के हैं, जिनको कंधा उतरने की दिक्कत है या स्पोर्ट्स मैन है, तो आप क्या मैसेज उनको दोगे? मैं यही दूंगा कि मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन ऐसा होता है कि बिल्कुल पता भी नहीं चलता। क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा नाम सर्वेश है। सर्वेश, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जी यूपी से बहराइच से रहने वाला हूँ, जिला मेरा बहराइच पड़ता है। क्या दिक्कत आई थी जिसके लिए आप मेरे पास आए थे? मेरे पास यही बस कंधा उतरता था, मेरा भी डिसलोकेट हुआ था। कितनी बार टोटल डिसलोकेट हो गया था? पास रखना, ये हो गया हमारा 5 बार हुआ है। तो आप डॉक्टर के पास जाते थे या खुद ही चढ़ा लेते थे? 2 बार डॉक्टर के पास गया, उसके बाद हाथ ऊपर करने से अपने आप आ जाता था अपनी जगह पे। तो बहराइच तो जयपुर से काफ़ी दूर है, आपको मेरा संपर्क कैसे हुआ? सर, मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा था। तो आपको कैसे विश्वास हो रहा था कि यहाँ पे अच्छा हो जाएगा इतनी दूर आने का? सर, विश्वास करें तभी तो हमारा फायदा हुआ है आज। ऑपरेशन में तो दर्द के मारे चीख ही निकल गई होगी। जी, निकली थी, पर अभी तो सारा कुछ सही है। ऑपरेशन में कितना दर्द हुआ? ऑपरेशन में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, सुन कर दिए थे, मालूम नहीं चला। आप ये बोलो मुझे कि अगर कंधा उतरता है तब ज़्यादा दर्द होता है या ऑपरेशन में ज़्यादा दर्द होता है? सर, जब डिसलोकेट होता था बहुत ज़्यादा दर्द होता हड्डी के अंदर। कोई और भी लोग हैं बहराइच के जिनको कंधा उतरने की दिक्कत है, तो आप उनको क्या मैसेज करोगे? उसको बस यही कहना चाहूँगा, बस इसी हॉस्पिटल से वो भी इलाज कराएं जैसे मैं कराया हूँ। खर्चे के मामले में कैसा है? सस्ता है, महंगा है? जी, बहुत सस्ता है। हमने तो ऑपरेट कराने के लिए लखनऊ में गया था, वहाँ पे तो ऑपरेट डालने के लिए बात की गई थी। क्या चार्जेस बताए गए? चार्ज तो बताया गया था पहले, 60,000 पेमेंट जमा कराने के लिए बोला था, मेडिसिन और हॉस्पिटल चार्ज अलग से बोल रहे थे। ठीक है, आप बताइए आपका क्या नाम है बेटा? इमरान। इमरान जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली मुस्तफाबाद का हूँ। तो यार, दिल्ली तो एक काफ़ी बड़ा शहर है, तो आप दिल्ली से उल्टा जयपुर कैसे आ गए कंधे के इलाज के लिए? यहाँ पे आपका वीडियो देखा था, तो इसलिए काफ़ी दिन से यूट्यूब पे। यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? लोगों ने मना नहीं किया कि आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो? लोग तो जयपुर से दिल्ली आते हैं। बोला था लोगों ने, पर मैंने कि नहीं, यहीं पर कराना है। आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना दर्द होता है इस ऑपरेशन में? दर्द तो नहीं होता, उतरता है तो ज़्यादा दर्द होता है, वैसे दर्द नहीं ऑपरेशन में। खर्चे के मामले में दिल्ली और जयपुर में कितना अंतर लगा आपको यहाँ पे? काफ़ी अंतर है, सही है, आधे से ज़्यादा। हाँ, आधे आधे का फ़र्क है। तो दोस्तों, हमने देखा कि इंडिया के हर कोने से, चाहे फिर दिल्ली हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, हर जगह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इलाज करवा के जा रहे हैं। कंधे का जो इलाज है दोस्तों, अत्याधुनिक लटारजेट पद्धति से किया जा रहा है, जिसमें पेशेंट को लेश मात्र भी पेन नहीं हो रहा। वो खुद अपने मुँह से कह रहे हैं कि जब कंधा उतरता है उसकी तुलना में तो कुछ भी दर्द नहीं है। अब इनकी पूरी ज़िंदगी की टेंशन फ्री हो गई, क्योंकि अब इनका कंधा कभी उतरेगा नहीं, तो इनको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। अगर आप लोग भी टोना टोटका या झाड़ा फूंक से सोच रहे हो कि कंधे का इलाज हो जाएगा या पहलवान से मालिश से हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। आप एक बार 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 कंधा उतरवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते रहोगे, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और फिर लगातार बार बार कंधा उतरने से कार्टिलेज खराब होती है और बोन लॉस बढ़ता जाता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। स्पेशली अगर आप रिपोर्ट भेजना चाहते हैं तो 9828504050 जो नंबर है दोस्तों, इस पर रिपोर्ट भेजिए और आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके।